नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसके आल नॉलेज में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जो साठा धान की रुपाई कब की जाती है और किस समय की जाती है। तो बने रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसके आल नॉलेज में। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूं किस तरह से धान की लगवाई होती है और रुपाई। किसान भाइयों, ये जो धान की रुपाई हुई है ये 60 दिन वाली है और जो इसमें लगभग 10 दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए। जो कुछ किसान भाई हमारे जो धान की रुपाई करते हैं वो जून जुलाई में करते हैं और इस धान की रुपाई लगभग मार्च में 10 से 20 मार्च को हो जाती है और ये 60 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, इम्पोर्टेंट एक और बात है, इसको नमी बहुत ज़रूरी है। अगर नमी नहीं देते हैं तो ये धान हमारा जो है सूखने लगेगा। जैसा कि इसमें निरंतर पानी लगाया जा रहा है और इसमें पानी सूखना नहीं चाहिए जब तक हमारा पौधा जो है बिल्कुल तगड़ा ना हो जाए। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस सल्फर की आवर्ती आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें ये 60 दिन वाला जो धान होता है किसान भाइयों, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अच्छी पैदावार लास्ट में देखने को मिलती है, जिससे हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो हमने तो आप लोगों को वीडियो में बताया कि किस तरह से जो 60 दिन वाला धान होता है किस तरह से किया जाता है और किस समय में किया जाता है। और इसके लिए मौसम की दरकार मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो गर्मियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं तो गर्मियों के स्टार्ट में ही इस धान की रुपाई कर दी जाती है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो किसान भाइयों? अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय हिंद। जय भारत।